हांजी दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की मच अवेटेड मूवी गदर 2 से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आए, जिसे जानने के बाद आप भी काफी खुश हो जाओगे। तो अगर आप भी गदर 2 मूवी का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गदर के सीक्वल गदर 2 को लेकर काफी चर्चे में बने हुए हैं। जब से इस फिल्म को लेकर घोषणा हुई है, तब से फैंस काफी खुश हैं। इसके बाद से सनी देओल की इस फिल्म से जुड़े एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इस बीच फिल्म के विलन के किरदार निभाने वाले एक्टर का नाम का खुलासा हो गया है। फिल्म में एक नए एक्टर की एंट्री हो गई है। फिल्म में विलन के किरदार को लेकर अभी तक रोहित चौधरी का नाम चल रहा था, लेकिन रोहित चौधरी ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया है कि वो स्टोरी के दूसरे विलन है। इसके बाद से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा है कि मनीष वाधवा इस फिल्म में मुख्य विलन के रोल में नजर आएंगे। मनीष वाधवा फिल्म में अमीषा पटेल के पिता के रोल निभाने वाले हैं, जिसे फिल्म गदर में अमरीश पुरी ने निभाया था। अमीषा पटेल, सनी देओल और उत्कर्ष शर्मा की लीड रोल वाली फिल्म गदर 2 इसी साल 11 अगस्त 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या कमाल दिखा पाती है। आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, हमें कॉमेंट्स करके बताएं। तो फिलहाल के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।